कि व्यक्ति अपनी इच्छा को उजागर नहीं कर पा रहा है, वो भी आने वाली सरकार के डर से। जी नहीं, वर्तमान सरकार के डर से। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 बीघा चर ले रहा है साढ़। 10 मार्च सब साफ। कौन साफ? अब यहाँ से बीजेपी साफ है। बाबा जी को लाइए, योगी जी को लाइए, साढ़ बढ़वाइए। हाँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ रहा था इलाहाबाद में, पढ़ रहा था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि बाबा ने वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर रही है। तो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पर अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कोई पार्टी नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं भाजपा को पूर्वांचल से बस्ती जनपद से जीरो पर आउट करने का काम ये समाज करेगा। लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। गांजा तो वो व्यक्ति पीता है जो कहता है चीर देंगे, फाड़ देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। ऐसा व्यक्ति नशे में ही बोल सकता है, कभी होश हवास में बोलने वाला व्यक्ति ऐसा शब्द नहीं बोले। बुलडोजर बाबा को बदलना है अब की। छठे फेज में चुनाव लगभग प्रचार आज 5वें फेज का खत्म हो गया है। 27 को वोटिंग होगी, कल ही खत्म हो गया था, अब छठे फेज में चुनाव प्रवेश कर गया है। मैं पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी गोरखपुर के रास्ते में एक बस्ती जिला पड़ता है, श्रावस्ती इसके और गोरखपुर के बीच में बस्ती है। और एक BSP की गाड़ी बज रही थी, कुछ लोग हैं, आपको इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, जो लोग चौक चौराहा पर हैं उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। और बात क्या नाम है भैया इसका, जगह का? मीडिया भेटिया, भेटिया। तो ये बस्ती में पड़ता है? हाँ, बस्ती जिला। तो आप लोग के यहाँ छठे चरण में चुनाव है? हाँ, 3 तारीख को। 3 तारीख को तो क्या इस बार क्या रुझान लग रहा है आप लोगों को? अब रुझान अपना अपना पर्सन जिसको मन कहेगा, मतलब वोट देंगे हम लोग तो भाई सपा को देंगे वोट। सपा को काहे? सपा को ये हमारे देंगे, इतनी महंगाई आ गई है कि जनता उससे परेशान है। लेकिन योगी जी ने तो मंदिर भी बनाया है, बनारस को भी ठीक किया है। मंदिर तब जब चुनाव आता है तब मंदिर का नाम ले लेते हैं, अपने 5 साल मंदिर कहाँ था, क्यों नहीं बनवाए? लेकिन बनवाया तो? बनवाया कहाँ, भी आधा शुरू है नहीं हुआ काम। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। पूरा नाम बताइए। प्रेम प्रकाश चौधरी। अच्छा, तो मतलब पिछड़े समाज से हैं, OBC कम्युनिटी से हैं? हाँ, OBC कम्युनिटी से। आपका क्या नाम है? रवि मिश्रा। तो मिश्रा जी और आप चौधरी जी में गप हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या ठीक लग रहा है? जो लग रहा है ठीक लग रहा। क्या आप लोग का क्या मत है? हम लोग जानते करते हैं क्या मत है उन लोगों का, क्या है बताइए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण बाद आता ही है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बाद आता है, ठाकुर का ठाकुर ठाकुर बाद आता है, यही हो रहा है यहाँ है, और क्या हो रहा है। ये तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ मतलब योगी जी का ठीक ठाक काम है, कानून व्यवस्था ये सब ठीक है, कार्यकाल ठीक है, कार्य खराब हो रहा है। हाँ कार्यकाल ठीक है। तो पंडित जी लोग एकमुश्त जा रहे हैं योगी जी के साथ? नहीं ना, इसी कोई बात थोड़ा है, छोटे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, कहीं वोट बटा थोड़ा है। अरे क्या उसको वोट नहीं देंगे, मुसलमान नहीं देंगे, कि हरिजन नहीं देंगे, कि हिंदू नहीं देंगे, ठाकुर नहीं देंगे, सब सबका वोट इसमें फंसा है। आपका क्या, आपकी क्या मर्जी, आपकी क्या राय है इस बार? हमारा समय बताएगा, अभी तो बहुत दिन है। तो ये तो अद्भुत है, आज पहली बार कोई मिश्रा जी मिले हैं जो बात करने में हिचकिचा रहे हैं। अमूमन मिश्रा जी लोग बढ़िया बोलते हैं। क्या 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 कह रहे हैं? अभी बता दें कि भाजपा देंगे, पता चले सपा की सरकार बन जाए तब कहाँ जाएंगे मिश्रा जी? तो ऐसे करें, 2500 करोड़ रुपया लेके इनको भागना है, इनको इतना डर रहे हैं, ये 8-8 हजार करोड़ लेके लोग निकल रहा है, आप क्या डर रहे हैं मिश्रा जी? निकल जाएंगे हमसे क्या मतलब? ये डर इस बात को बताता है कि 5 साल में सरकार ने किस हिसाब से काम किया है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। मतलब एक डर है, एक प्रेशर है सिस्टम का जी, कि हम सरकार के खिलाफ बोल दिए या आने वाली सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। लोग इस तरह का है, दहशत है। जो हमारे मूल अधिकार हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, आप स्वयं देख रहे हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा को उजागर नहीं कर पा रहा है, वो भी आने वाली सरकार के डर से। जी नहीं, वर्तमान सरकार के डर से। आने वाली सरकार क्या होगी, ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना इन्हें पता है। हमको तो पता है, टीवी अखबार वाले को पता है, दिल्ली में बैठ के हम लोग हिसाब लगा चुके हैं। नहीं पता है ना। और रही तो ये प्रेशर है लोगों में, आप मिश्रा जी सही कह रहे हैं, प्रेशर है लोगों को। प्रेशर कौन प्रेशर है? प्रेशर कोई नहीं, किसी को कह रहे नहीं है प्रेशर।
अब वही बात है ना कि व्यक्ति कैसे बोले, जब आपको इस बात का डर है कि हमें कुछ हो सकता है तो आप अपनी मर्जी कहाँ आप व्यक्त करोगे। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चौधरी है। क्या करते हैं सतीश? मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, वकील हैं आप। तो क्या है लग रहा है जो हम लोग दिल्ली में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे पिछले दो महीने से कि मुझे मतलब चुनाव तो हिंदू मुस्लिम को लेकर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ पूछिए, यहाँ ऐसा हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब लोग बहुत आराम से रहते हैं। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी है, पूरा गांव है, हिंदू भी हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब? आप लोग क्या, आप लोग ओबीसी हैं? शेड्यूल कास्ट? ओबीसी हैं हम लोग। ओबीसी हैं तो ओबीसी अखिलेश को वोट कर रहा है? नहीं, वोट ओबीसी कर रहा है, वो देख रहा है कि उसका जो आरक्षण का प्रावधान है वो ठीक से इस सरकार में लागू नहीं हो रहा है, उसका वंचित तबकों का हक। साइकिल पर बम रखा जाता है, वैसे मैं साइकिल पर ही हूँ, देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बम है कि नहीं। आपने ये चीज बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो ने जो पहला मिसाइल लॉन्च किया था वो साइकिल पे ही लेकर रख के ले गए थे। अब वो बम तो था नहीं, तो हमारा देश आगे बढ़ा है तो साइकिल से ही आगे बढ़ा वैज्ञानिक रूप से। आप तो वकील हैं और ओबीसी कम्युनिटी से हैं, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि शेड्यूल कास्ट मायावती को वोट कर रहा है, ओबीसी के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ओबीसी में यादव लोग सिर्फ वोट कर रहे हैं अखिलेश को, ये और मुसलमान कर रहा है। देखिए, यहाँ की जो जनता है यूपी की, अगर ऐसा होता तो 2017 में, 14 में, 19 में जो वोटिंग हुई है वो वर्ग में बट के तो हुई नहीं है, सभी ने वोट किया। पिछले बार भी राम मंदिर पर ही वोट हुआ था यूपी में? नहीं, विकास पे वोट हुआ था। पिछले 2017 में जब सरकार बदली थी तो जो उस समय की सरकार थी उसने कुछ गलत काम किए थे, इसी वजह से यहाँ के लोगों ने सरकार बदल दिया। तो योगी जी का, योगी जी कहाँ है? योगी जी तो ठीक ठाक चल रहे हैं उनका? योगी जी बेशक ठीक चल रहे हैं, लेकिन योगी जी के जो अधिकारी हैं ना वो ठीक नहीं चल रहे हैं। अरे, आपके गोरखपुर के, सुने कि बिकली वो हॉलीडे मनाने गोरखपुर आते हैं, आपको इसी रास्ते से गुजरते होंगे मुख्यमंत्री? नहीं, योगी जी इधर से नहीं जाते, योगी जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वो बस्ती से ऊपर से ही चले जाते हैं, यहाँ कभी आते ही नहीं है। क्या है समझ, स्कूल कॉलेज अस्पताल सब ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? अस्पताल कॉलेज का क्या बताया जाए, कोरोना में आपने देखा ही है, हमारे घर में तो मेरी बुआ जी की डेथ हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिला उन्हें। सही में? जी, ऑक्सीजन नहीं मिला जी। बेरोजगारी भी मुद्दा है क्या? नौकरी उकरी के लिए लोग बेचैन हैं? आप, पांचवें चरण का चुनाव होगा ना कल, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इनके बड़े बड़े नेता इन मुद्दों की बात ना कर करके दूसरे सभी मुद्दों की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश चौधरी। सब चौधरी चौधरी टाइप से लग रहे हैं क्या? यादव जी से तो वही बोलेंगे, यादव मुसलमान को तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं आजकल। क्या नाम है आपका भैया? हम आम, अरे कोई नहीं, आप डरिए मत, ये दबाव है आए? मतलब कोई और कोई नहीं बात करना चाहता है? नहीं, हम चाह रहे थे ना, जो मजदूर हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनका जीवन कुछ बदला है, कुछ अच्छा हुआ है, सुने कि 5 किलो राशन मिल रहा है सब लोगों को। तो 5 किलो राशन से जीवन बदल जाएगा? गुप्ता जी, तो ताजमहल लोगे? नहीं तो आप 5 किलो राशन से जीवन बदलेगा, आप बताओ। मंदिर भी तो बन गया, मंदिर से जीवन चलेगा? मंदिर बन जाए, मंदिर से खा लोगे आप बताओ मुझे। लेकिन धर्म भी तो बचाना है। मैं धर्म की बात थोड़ा ना करूं, मैं कहां करूं धर्म ना बचाओ, इन धर्म बचाने के चक्कर में पेट भी तो बचाना है। क्या नाम है? कहीं यादव जी तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं सुनील गुप्ता हूँ, शुद्ध रूप से। गुप्ता जी लोग का ही अंदाज है? अरे हम क्या गलत बोल रहे हैं का? अरे गलत बोले तब अंदाज बताइए। बनारस इतना चमका दिए हैं मोदी जी हैं? तो हम कहाँ कह रहे हैं मोदी जी नहीं चमका दिए बनारस, लेकिन तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मतलब पेट पर आफत है, पूर्वांचल में तो बहुत फर्टाइल लैंड है। आप जिएंगे तभी तो कुछ करेंगे, वोट फोट जो भी है क्या करेंगे आप बताइए, आप बताइए, जब खाने की व्यवस्थाएं होंगी तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। दे रहे हैं ना 5 किलो जी, 5 किलो खा लेंगे चना, 5 किलो चावल, 5 किलो जी लेंगे आप बताइए। तो सरसों तेल भी दे क्या, ज्यादा महंगा हो गया है? तो सरसों तेल से कितना देंगे? सरसों तेल ज्यादा महंगा हो गया है? देखिए, फ्री के खाने की आदत नहीं है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। हम कर्मठी लोग हैं, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठा टेक नहीं है, उनको उनके योग्यता के अनुसार से जो भी उनकी क्वालिटी है उसके हिसाब से उन्हें रोजगार चाहिए, सिंपल। तो पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तल के रोजगार मिलेगा? मोदी जी ने तो कहा है। तो मोदी जी को जाके कह दीजिएगा कि आपकी बार वो पकौड़ा तलेंगे, वो भी सरसों के तेल में, सस्ता हो गया है, राइट?
भाई साहब तो टीवी अखबार वाला हम लोग को आप लोग झूठा साबित कर दीजिएगा। हम लोग तो आस लगा के बैठे हैं कि आएंगे तो बाबा ही। अरे भाई अब आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं, आप लोग का चलने वाला चीज़ आप कुछ भी करवाइए, बाबा जी को लाइए, योगी जी को लाइए, सांड बैठवाइए, जो कुछ करना करवाइए। सांड वाला मुद्दा है वो है? अरे साला परेशान हो गए, 500-500 रुपया हम लोग चंदा इकट्ठा करके तब उसको भिजवाएं। अरे पूछिए यादव जी बताओ हो पकड़े हो क्या पकड़े हो सांडवा? अरे पकड़े हैं भाई, हम लोग चंदा देकर उसको भिजवाए हैं। हाँ एक की मृत्यु भी हो गई है, सांड ने जान ले ली। अब जान लिया है भाई, आपके बगल में 2-3 गांव के बगल में एक गांव है, एक महिला को मार दिया उसने, उसकी मृत्यु हो गई। विकास कौन बोला विकास के नाम पर वोट हो रहा है भाई? आइए इधर कहा नहीं नहीं और कुछ कहना है तो बताइए, हम लोग क्या, हम तो जो कहिएगा आप तो सब कुछ है, आप ही तो पूछने वाले, आप पूछिए जो जो आप पूछेंगे वो हम बताएंगे। हमको तो ये लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होगी, वोटिंग होगी। देखिए हिंदू मुस्लिम और मुसलमान एक तरफ रहेगा 20 और 80% हिंदू जिसमें SC ST OBC है वो सब एक साथ, वो भारतीय नहीं है। अगर वो हिंदुस्तान के अंदर है मुस्लिम तो वो भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाएं वो। योगी जी के हिसाब से तो वो लोग कठमुल्ला है। अब योगी जी के हिसाब से है ना, उनके हिसाब से हमारे हिसाब से नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाईचारा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, अगर वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के वासी है, हिंदुस्तानी है, वो भाईचारा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये सब जो बोल रहे हैं कैमरे पर डर लग रहा है कि नहीं? मुझे डर वर नहीं लगता, आप कैमरे पर नहीं लाइव टेलीकास्ट करवा लो, बिठा के किसी से डिबेट करवा दो, मुझे डर नहीं लगता। संबित पात्रा का नाम सुने? अबे किसी पात्रा हो, संबित पात्रा कोई पात्रा हो, बिठा के डिबेट करवा दीजिए, अंगूठा टेक नहीं हम भाई, बिठा दीजिए जिसमें बैठा। क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ, अभी एक बिजनेस करता हूँ, बाकी कौन सा बिजनेस है क्या? आप तो इंजीनियर थे, बिजनेस कर रहे हैं, अब कह रहे हैं बेरोजगारी। अरे तो मेरे लिए नहीं है भाई, और भी भाई लोग हैं ना, अब सबके अंदर थोड़ी ना वो चीज़ें हैं, मैंने कर लिया। आप बोल रहे हैं कुछ लोग पकौड़ा भी छान लिए, अब सभी लोग पकौड़ा नहीं छान सकते ना, वो क्या करेंगे? तो लब्बुलुआ भी है कि लोग नाराज हैं सरकार से, जो नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, 1,00,000% आपकी बार सपा सरकार, सपा सरकार यही जानना चाह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपकी बार सपा की सरकार बन रही है पूरे बहुमत। इधर आइए इधर आइए, कौन वोट दे रहा है आप लोगों को? सब लोग वोट, कौन दे? सब लोग वोट दे रहे हैं। ठाकुर साहब तो नहीं दे रहे हैं? कौन ठाकुर? सब ठाकुर दे रहे हैं, ब्राह्मण भी दे रहे हैं, ठीक है, SC ST भी अब की बार वोट दे रहे हैं सपा को वोट। हाँ आप पिछले हम तो सुने कुर्मी यादव कुशवाहा मौर्या ये लोग सब BJP को वोट दे रहे हैं, मंदिर बन रहा है। नहीं 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 ये गलत बात है, हाथ उठवा लीजिए आप हमें BJP का कोई विकास गिना दीजिए, कोई विकास बता दीजिए। राम मंदिर BJP बनवा रही है, आप भी लगता है उसी के आदमी है तभी ऐसा बोल रहे। किसके आदमी है? राम मंदिर BJP बनवा रही है, अयोध्या को सवार दिया मोदी जी ने, दूसरी सरकार होती अगर तो भी राम मंदिर बनता, ठीक है। पाकिस्तान को टाइट कर रखा है ना मोदी जी ने, पाकिस्तान पहले से टाइट था, मोदी जी की कोई भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं मोदी जी की। अब की बार सपा सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, अगर विकास के नाम पे पूछिएगा, देखिए BJP केवल अपने विरोधी पार्टियों का बुराई करती है, ठीक है। अरे घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए, अरे पहुंचा दिए भैया, ठीक है। जियो रिलायंस ने फ्री सिम दिया था, इस समय 239 रुपया रिचार्ज का दाम हो गया है और 2 रुपया एक्स्ट्रा काट रहा है, 241 रुपया, ठीक है। 28 दिन का महीना कर दिया, ठीक है। 50 किलो की बोरी आती थी खाद की किसानों की, 45 किलो की बोरी आ गई, पूछ लीजिए। ये सही बात है क्या? 45 वाला 5 किलो बोरी, ये सही बात है, पूछ लीजिए सभी लोगों से। किसान है नहीं, ना ना एकदम सही। जो पत्रकार लोग हैं ना भारत में, उसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता है, क्योंकि आम आदमी का बच्चा तो पत्रकार बन नहीं रहा है। तो सही में ये कम हो गया खाद, काम कम हो गया, 45 किलो बोरी कम हो गया, ठीक है, काम वही है। आप अभी विकास के, हम खाली विकास के बारे में कोई भाजपा से पूछ लीजिए, भाजपा ने क्या विकास किया है? 108 और 102 जो दौड़ रही है वो सपा की है, 112 नंबर जो दौड़ रही है, जो पहले 100 नंबर थी वो सपा की है। आप भाजपा की कोई विकास हमें बता दें तो मैं मान जाऊँ, कौन सा विकास किया भाजपा ने बता दीजिए। तो कह तो रहे हैं कि 5-5 किलो चावल गेहूं दे रहे हैं। अरे भैया 5 किलो साढ़ चरिले थे, साढ़ उससे ज्यादा साढ़ नक्शा कह दिए थे, साढ़ साढ़ कह रहे हैं, और बूढ़ी गाय नहीं कह रहे, गाय भी तो सड़क पर घूम रही है। साढ़ और गाय कुल मिल के चल लेते हैं, इनके देख लो का नहीं को खोले है, गौशाला गौशाला वहाँ में कोनो व्यवस्था नहीं, कोई साढ़ नहीं है,
और ऐसा वे कि शिक्षा मित्र के साथ है तो और अन्याय करें, अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं। ये इलाका जो है ये योगी आदित्यनाथ का इलाका है, वो चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से और बहुत दिन योगी का उनका वो है। अच्छा छात्र लोग सुन रहे हैं, अच्छा क्या नाम है आपका चाचा जी? देखिए तो भाग रहे हैं, इस देश की विडम्बना है। क्या नाम है? रामरूप। रामरूप जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं इधर उधर। तो 5 किलो अनाज तो मिल रहा है ना, योगी जी दे रहे हैं ना? सही से बताइएगा, नमक खाए हैं? 5 किलो में कितना दिन खा लेंगे बताइए? 5 किलो कितना दिन चले? ये 5 किलो नहीं मिल रहा तब चल रहा कमाल। नमक तो मिल रहा है। अरे नमक से जी, नमक खाए क्यों जी? कितना नमक खाए? नमक का कर्ज तो अदा कीजिए। मोदी जी ने कहा कि जो नमक खाया है वो हम ही को वोट देगा। ना ना ये कौनो सवाल है नहीं है। तो कहाँ इस बार क्या लग रहा है, बाबा को नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बाबा तो आएंगे, कौनो सवाल ही नहीं बाबा। सवाल ही नहीं है। देखिए दिल्ली में लोग कहते हैं कि हम लोग जहाँ जाते हैं ना हम बुलाते नहीं किसी को। भैया हम लोग किसी को बुलाए थे? हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, देखे लोग हैं तो रुक गए। ये असली रिपोर्टिंग है, पत्रकार लोग सेटिंग वेटिंग करके दिल्ली से चलते हैं, पता नहीं कहाँ से सर्वे करते हैं। मेरे सर्वे में तो बिल्कुल बीजेपी जो है वो माइनस दिख रही है, और हम किसी को बुलाए नहीं है। सब लोग हम खड़ा हुए लोग आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं नॉर्मली। कुछ मीडिया वाले हैं भैया जो बीजेपी को आगे ला रहे हैं, ठीक है? कुछ मीडिया वाले जो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया जो बिकी हुई मीडिया है। कौन कौन गोदी मीडिया है? जितनी मीडिया है समझ लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, क्या करेंगे? कौन है गोदी मीडिया? डाल लेंगे हमको। मोदी मीडिया बहुत है यहाँ पर। अखिलेश भैया जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से, जो कि मेरा नाम है अनूप चौधरी, मैं पूर्ण बहुमत से जिता रहा हूँ अखिलेश यादव को, ठीक है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 बीघा चल ले रहा है साढ़, ठीक। अखिलेश जी की भाषा बोल रहे हो सबके? अखिलेश जी की भाषा नहीं है, ये जनता की भाषा है। हाँ तो हिंदू मुस्लिम इस बार फेल है? नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम पे ये लोग तो शासन चला रहे हैं, अब वो खत्म। पूरा पूर्वांचल से बीजेपी साफ है? और क्या, पूरा पूर्वांचल से साफ है, हमारे बिटिया चौराहे से साफ है, पूरे उत्तर प्रदेश से साफ है। ये इतना बड़ा मतलब है। क्या नाम है? रामनिवास चौधरी। मतलब चौधरी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं आप लोग या शेड्यूल कास्ट है? ओबीसी है। अभी बात हो रही थी कि राम मंदिर जो है बीजेपी बनवा रही है। 2010 में भी हाई कोर्ट आदेश दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के उतना नहीं पड़ेंगे, मिला जुला के बीजेपी मंदिर पर वोट मांग रही है, आप लोग को सहमत है कि नहीं है? नहीं नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिर बन रहा है, मोदी योगी थोड़ो बनवा रहे हैं। कन्या विद्या धन मिल रहा था समाजवादी में, और उसके बाद बाबा जी जैसे बैठे कन्या विद्या धन खत्म कर दिए। समाजवादी पेंशन गरीब मजदूर किसान को 500 रुपया मिलता था, उसको भी खत्म कर दिए काट के। अगला आपको चालू करना था, अगला कोई योजना चालू करनी थी आपको, उसको भी नहीं चालू किए। पता नहीं ये टीवी अखबार जो लोग हैं चैनल वाले वो कहाँ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आ रहे अनुज। अनुज अनुज। क्या पूरा नाम बताओ? राम अनुज। क्या ओबीसी हो एससी हो? नहीं नहीं ओबीसी है, अब की बार हमको कुछ नहीं मिलता है, अब की भाजपा सरकार को नहीं, अब की भाजपा से कुछ नहीं मिलता है भैया, भाजपा से कुछ नहीं मिलता। राशन पानी कुछ मिलता ही नहीं है, पानी कुछ नहीं मिल रहा। अरे 5 किलो मिल रहा था यार। नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। भोबलाल चौधरी कोटेदार औसापुर से नहीं दे रहे हैं पब्लिक को, हमारे को भी नहीं मिला है। सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी, सर इन्होंने वैकेंसी आज तक कभी क्लियर किया ही नहीं। तो आप लोग टीवी नहीं देखते हैं? देखते हैं सर, ऐसा नहीं है सर, टीवी पर तो चल रहा है, वो चल रहा जो है ना, राम को लाए हैं उसको भगवा को लहराएंगे, ठीक है सर, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मेन मुद्दा टीवी में तो चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। नहीं, वो ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो लाए हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया युवाओं के ऊपर, आउटसोर्सिंग के नाम पे वैकेंसी निकालते हैं। टीवी चैनल बिकल है चाचा, और कौन बिकल रहा है? कौन खरीद लिया है? क्या नाम है? मोदी जी खरीदे हैं। नाम क्या है आपका? कहे नाम जानब जरूरी बे? अनायास दिमाग है ना, खपाओ आपो यार से, भाजपा नहीं जीती उठी, जाओ आराम से कह दियो नहीं जीती है। ना जीती? अरे बात तो कीजिए, तो टीवी अखबार वाले पर इतना काहे गुस्सा है? काहे गुस्सा? टीवी अखबार पे वही निकलते हैं और समाचार नहीं निकलते, जौन कुछ टाउन बस यही निकलते हैं।
चुप रहे भैया, गुस्सा है आप लोग, टीवी अखबार वाला झूठ बोल रहे हैं ना। बिल्कुल झूठ निकल के पाए, सही समाचार दिए उन्हें ही नहीं गलत। ये है आम लोगों की राय, ये मैं सीधे मैं नहीं जानता कौन लोग हैं कहाँ के हैं, मैं सिर्फ गोरखपुर से निकला हूँ, बस्ती जिले में हूँ मैं, छठे चरण में यहाँ वोटिंग है, छठे चरण में मतदान है। और आम लोग की क्या नाम है? आकाश। गुटखा इतना खाते हो कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे, क्या होगा? और कुछ तो होगा नहीं, तो होगा ही। ये अपना ध्यान रखिए, हेल्थ ध्यान रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वोट डालेंगे कि नहीं? वोट डालेंगे क्यों नहीं, कहाँ डालेंगे? बीजेपी। हाँ ये हुआ ना, ये मेरा भाई है, पूरा नाम क्या है? आकाश अग्रहारी। अच्छा तो योगी जी में क्या क्या अच्छा लगता है? योगी जी में सब कुछ अच्छा है। जैसे बताओ। हमारे बानपुर में पूरा चैलेंज है, 5000 वोट है, 5000 वोट से योगी बाबा जीतेंगे, इतना गारंटी है। नहीं तो मतलब नहीं ऐसे बोलने दीजिए भाई, अपनी बात कह दीजिए एकदम। तो योगी जी में कुछ तो अच्छा, मंदिर बना अच्छा, दिया, ये अच्छा लग रहा अच्छा है। क्यों नहीं है? गुटका मिल, अरे क्या नाम, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, घर मिल रहा है। हमारे पास घर नहीं था, हमको घर मिला हुआ है, 5 लाख रुपए हमको आवास मिला हुआ है, सब कुछ हमको मिला हुआ है, तो कोई चीज का दिक्कत थोड़ी है, हमको कोई चीज का दिक्कत नहीं है। बाकी लोग तो कह रहे साइकिल वाला। अरे ठीक है, देखेंगे ना जब आएगा समय तो सब देख लेंगे। पंचायत चुनाव अभी 7 महीना पूर्व हुआ, पंचायत चुनाव 7 महीना पूर्व हुआ, हर जितने प्रधान है एक एक आवास आया अभी तक 7 महीने में, तो एक पंचायत में एक नहीं, एक ग्राम सभा में एक आवास आया। तो बताइए 5 साल में 20 पहुंचा देंगे योगी जी। लेकिन मेरा सवाल मैं समझना ये चाह रहा था, थोड़ा पीछे मेरा कैमरा मैन दब जाएगा, 102 नंबर। मेरा सवाल ये था कि वोट हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है कि नहीं, हम यही जानने आए हैं। कुछ नहीं हो रहा, जो अच्छा है उनको वोट दिया जाएगा। और 102 नंबर समाजवादी ने चलाया, अखिलेश यादव ने चलाया, उसको बदल के 112 कर दिए, अलग प्रोटेक्शन आप दिए होते, अलग कोई न्यू डाले होते कि प्रोटेक्शन हम और निकाल रहे हैं। अब 100 नंबर से 112 नंबर लगा दिए, उससे विकास होगा प्रदेश देश का? 7 महीना हुआ, आप लोग कट्टर हिंदू नहीं? नहीं, 7 महीने में हमारी बात, 7 महीने में जो हिंदू होगा वो बीजेपी को वोट देगा? नहीं, वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं क्या कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? ऐसा कोई बात नहीं, जो भी है हिंदुस्तानी है सब हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम हिंदू हम लोग आपस में भाई भाई, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। पढ़े लिखे टाइप से बात कर रहे हो? हाँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ रहा था इलाहाबाद में, पढ़ रहा था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि बाबा ने वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर रही है, तो पढ़ेंगे क्या? क्या 10+2 कर लिया? 10+2 हमारा हो गया, तो फिर 12 कर लो। नहीं नहीं, अब देखिए यहाँ हमारे देश के गृह मंत्री जो है वो इंटर के बाद बरोही करवा रहे हैं, बरोही के बाद इंटर करवा रहे हैं। सही में आप लोगों के लिए रोजगार मुद्दा है, नौकरी कोई नहीं? और क्या, क्या नाम है? मेरे यहाँ बहुत रोजगार, अखिलेश यादव नाम है हमारा, अखिलेश यादव तो ब्लैक लिस्टेड हो है। आपका क्या नाम है? साजन जायसवाल। जायसवाल जी, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, मतदान करेंगे और क्या? तो मतलब क्या, मतलब किस, क्या बताएं किसको करेंगे, ये थोड़ा मतदान किसी को बताया थोड़ा जाता है। कौन पसंद, योगी पसंद है अखिलेश? अभी क्या पता, पसंद तो राजनीति कर रहे हो तुम तो अभी से है, तो बाकी लोग बेवकूफ है जो तय कर चुके हैं कि इसको जिताना है। नहीं अभी नहीं बता सकते। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? ओटी टेक्नीशियन डिप्लोमा लखनऊ से। नौकरी वाला बात सही है कि नौकरी पे जूझ रहे हैं, और क्या बताएं आपसे, रोजगार उतना तो नहीं है। अरे अब आप बताइए क्या चाहते हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग और क्या, पढ़ के आके कैसे यार? हर साल कांवर यात्रा करो, हर साल एक बार काशी विश्वनाथ, एक बार अयोध्या। अरे तो घूमने से काम होगा क्या? शादी ब्याह हो गया है? नहीं, दहेज का चक्कर हो जाएगा ना, अगर नौकरी नहीं मिली तो भैया ब्याह नहीं होगा है? ऐसा कुछ नहीं है, बिना नौकरी के ब्याह हो जाएगा जी, हम यही इलाके से हैं भाई। बिना, अच्छा सब लोग नौकरी का है क्या, जितने लोग? अरे नौकरी देखा, दो ही तरह से ब्याह होता है, या तो नौकरी कर या बाबूजी के बहुत संपत्ति हो, बेरोजगार के ब्याह होला जी? क्यों, बिना जो बेरोजगार रहता है उसी का ब्याह होता है, उसके पहले और किसी का नहीं होता है। चलिए तो ये अच्छी बात है यार, कम से कम शादी तो हो जाएगी। हमारे तरफ तो भैया बेरोजगारों की शादी नहीं होती है, लड़की वाले आते हैं शादी ब्याह के मौसम में, जांच पता करके फिर कहते हैं कि नहीं लड़का तो रिजेक्ट करो यार। ऐसा कुछ नहीं है,
किना भैया? नहीं सर, एक लोग की शादी थी, सांड ने मार दिया। हाँ ये भी हो सकता है। क्या हुआ? सांड ने मार दिया, एक लोगों की शादी थी। किसकी शादी थी? अरे थी, कैंसिल भी हो गया, शादी भी कैंसिल हो गया। किसकी? उनकी पैर टूट गई। एक लोग, अच्छा उस सांड ने हमला कर दिया और शादी कैंसिल हो गई। सब चोट लग गया उनको, तो कहाँ से वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो शादी कहाँ से होगी? ये सांड वाला जो मसला है गंभीर मसला, आप लोग मजाक मत उड़ाइए। सांड वाला गंभीर मसला हो गया, वो क्या है? आगे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पर जिस तरह से राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा, पहले नाम बता दो। घनश्याम प्रजापति नाम है मेरा, आम आदमी हूँ। घनश्याम प्रजापति मतलब ओबीसी हो? जी जी। हाँ, बताओ। बैकवर्ड से आते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पर अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कोई पार्टी नहीं कर सकती है, और कहीं ना कहीं भाजपा को पूर्वांचल से बस्ती जनपद से जीरो पर आउट करने का काम ये समाज करेगा। लेकिन सबसे आए तो ओबीसी के लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी। देखिए जहां तक मिडिल वर्ग का सवाल है, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनमें ये यूनिटी जगी है। बैकवर्ड कास्ट नहीं, एक कम्युनिटी है, ये जातियों का समूह है। सभी वर्गों में, जहां तक सभी वर्गों में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यापारियों को भी कमर टूटी है। जिस वर्ग की भाजपा पेटेंट ओटर मानी जाती है, व्यापारी समाज भाजपा का पेटेंट ओटर माना जाता है, लेकिन आज व्यापारियों की भी कमर टूटी हुई है, और इससे युवाओं में, नौजवानों में काफी आक्रोश है। कहीं ना कहीं उम्मीद की नजरों से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर नहीं होगा वोट। जी राम के नाम पर ये लोग 15 से 20 वर्षों से अपनी दुकान जो चला रहे हैं, इनकी दुकान अब बंद हो रही है। लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। अच्छा चिलम मतलब? चिलम मतलब गांजा। चिलम वाले बाबा को हटाने का काम ये जनता करेगी। तो अखिलेश को गांजा पीते हैं? नहीं, अखिलेश जी गांजा नहीं पीते हैं। गांजा तो वो व्यक्ति पीता है जो कहता है चीर देंगे, फाड़ देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि सात पुस्तें याद रखेंगी। ऐसा व्यक्ति नशे में ही बोल सकता है, कभी होश हवास में बोलने वाला व्यक्ति ऐसा शब्द नहीं बोलेगा। पार्टी तो नहीं ज्वाइन की है? कोई पार्टी नहीं, एकदम हर पार्टी से। कहाँ, कितना पढ़े लिखे हैं? कुछ नहीं, एक हाई स्कूल है। बहुत शानदार बोलते हो, आपको तो मोदी जी के टक्कर के आदमी हो भाई साहब। भाषण में क्या करते हैं? बस व्यवसाय है हमारा, छोटा सा राजकाज है। तो डर नहीं लगता है कैमरे पर ऐसे बोल? कोई डर नहीं, देखिए हर आदमी स्वतंत्र है। बाबा कहीं रिपीट हो गए तो? नहीं, बाबा का बुलडोजर से अपराधी डरेंगे, माफिया डरेंगे, जिनको संरक्षण स्वतः सरकार देती है। और हमें मैंने 15-18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतना डर जो यूपी में अभी लोगों के चेहन में दिख रहा है, कम से कम काउ बेल्ट में लोग अपनी बात कहते थे, चुनावी चकल्लस होता था, लोग बात करते थे, आपस में भाईचारा था, बहुत टेंस है माहौल, लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, पता नहीं कब किसकी सरकार आ जाए, किसको बुरा लग जाए। तो जो भाई साहब वकील साहब ने कहा था कि बोलने की आज़ादी जो है उस पर जो कहीं ना कहीं लोग तबे सहमे तो हैं, सरकार जिस तरह से चली है, जिस तरह से पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से हम लोग को दिल्ली से भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है यूपी के लेकर, तो एक डर है, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं। तो चलिए बातचीत तो हो ही गई है, और कुछ कहना तो नहीं है? मुझे मुद्दा तो कुछ खास है नहीं है, वही हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है तो फिर क्या बात करें? नहीं नहीं, विकास के नाम पर देखिए इनके पास कुछ है नहीं। युवा आज मारा फिर रहा है, 8,000-10,000 की नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी तो इलाहाबाद में पकड़ पकड़ के नौकरी दिए हैं। नहीं नहीं, इनकी नौकरियां ये मनरेगा, इलाहाबाद में कुछ दिन पहले पुलिस वाला तो नहीं दिखाई दिया? अरे पुलिस वाला पकड़ पकड़ के लेके नौकरी दिया गया, नाम के लिए दिया गया, 8,000 की नौकरी नहीं लाठी चार्ज बहुत हुआ है, जॉब करने के लिए ले जा रहा है। सरकार में इनको बहुत फायदा हुआ, इलाहाबाद के डॉक्टरों को बहुत फायदा हुआ है। इनके सरकार में जो भी भर्ती निकल रही है वो खाते पारदर्शी भर्ती कर रहे हैं, ईमानदारता भर्ती कर रहे हैं। डॉक्टरों को बहुत फायदा हुआ है, इतनी लाठियां पड़ी हैं कि इतने पैर टूटे हैं कि इलाहाबाद के डॉक्टरों को बहुत फायदा हुआ है। क्या नाम है आपका? संदीप राजभर, मुलायम सिंह के जिला राजभर के आदमी हो। सही बात है। अच्छा क्या राजभर जी के आने से पूरा राजभर वोट शिफ्ट हो गया इधर? बिल्कुल एक तरफा। पहले बीजेपी को दिए थे, पिछली बार राजभर उधर थे हम तो? अरे पिछली बार तो ओपी जी उधर थे, ओम प्रकाश जी। जी मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, पिछली बार भी था, इस बार भी हूँ। बाकी कम्युनिटी के लोग कहाँ जा रहे हैं राजभर? सब एक तरफा समाजवादी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं।
ठीक है, ज्यादा संख्या में तो लोग बोल रहे हैं। इनकी सरकार में जो भी भर्ती होते है सब लीक होते हो जाती है। कहते हैं कि हम जो पारदर्शी भर्ती करते हैं, लेकिन पेपर पहले आउट हो जाता है, एग्जाम के 3 घंटा पहले आउट हो जा रहा है, कहाँ से पारदर्शी हो रही है? क्या भाई, तो आप बहुत गंभीर गंभीर सुन रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए धक्का मत मार दीजिए, क्या हुआ इनको? ये तो लगता है लिए हुए योगी राज हुए, जो कहा थी रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। बुलडोजर बाबा को बदलना है अब की बुलडोजर बाबा, उनका बुलडोजर बाबा पहले तो योगी बाबा रही, अब है गई बुलडोजर बाबा, समझा? तो बुलडोजर तो खाली मुसलमानों पर चल रहा है, मुसलमान पर चल, तुम्हें विकास दुबे के रहा मुसलमान रही, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कितना ब्राह्मण का हत्या है। क्या नाम है आपका? परमात्मा प्रसाद, पूरा नाम बताइए। नाम बताओ थी, परमात्मा प्रसाद। ओबीसी है? ओबीसी है, एससी है? एससी, हाँ, झूठ मत बोल, झूठ ना, एससी है। एससी बहन जी के साथ है? कहाँ बहन जी के साथ है, हमारे गांव हमारे साथ चलिए, बहन जी के साथ है, जब 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 मतदान अपने मन से नहीं कर सकता है क्या कि एससी रहेगा तो बहन जी के साथ ही रहेगा? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो गुस्सा बहुत है यार। नहीं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, एससी और ओबीसी देख रहे हैं आप, मतदान में एससी ओबीसी थोड़ा देखा जाता है, कमेटी के आधार पर वोटिंग नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा परेशान है इस सरकार में, 5 किलो राशन दे रहे हैं और जो साढ़ है सारा खेत चर जा रहे हैं। एससी के पास कहाँ जमीन होता है? एससी के लिए जमीन नहीं है, उनके पास पेट ना, तो आरक्षण था वो लगभग खत्म हो, आरक्षण सबका खत्म है, एससी बैकवर्ड सबका खत्म है। बाबा जी का संविधान खतरे में, इस समय खा ले रहे हैं। कौन को किसे? मोदी जी, योगी सरकार संविधान खतरे में, बिल्कुल। जब आरक्षण खतरे में तो संविधान खतरे में है भाई, एससी के लिए आरक्षण ही सब कुछ था, आरक्षण खा ले रहे हैं, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, बिल्कुल है, क्या सब खा ले रहे हैं, सब खा। बतावे को भर्ती बैकवर्ड एससी योगी जी से पूछल जोन बैक को भर्ती करे हुए। जैसे जैसे पूर्वांचल आप जाएंगे ना, तो यहाँ के लोग जो हैं वो राजनीति में बहुत मास्टर होते हैं, और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यह लोग उड़ती चिड़िया को ना हल्दी लगाते हैं, ये बिहार के लेकर बहुत कहावत है। और पूर्वांचल की तरफ आप जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, पूर्वांचल में हमेशा से पोलिटिकली लोग फर्टाइल रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो राजनीति को बहुत महीन तरीके से समझते हैं। टेलीविजन अखबार में जितने जो पत्रकार हैं वो इन्हीं इलाकों से आते हैं, यूपी, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार के इलाकों से। लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि अभी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पत्रकार नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के लोग पत्रकार हैं, उसमें भी ब्राह्मण समाज के ज़्यादा हैं, और वो लोग घरों में बैठ के ब्राह्मण समाज से बात करके लखनऊ में बैठते हैं और एक सर्वे बना देते हैं, और टीवी चूँकि घर घर पहुँच चुका है तो एक हवा बनती है। अच्छा, टीवी वाला सब तो कह रहा है कि बीजेपी आएगी, योगी आएगी, टीवी वाले तो सब चैनल बिक ही चुके हैं मोदी के नाम पर, सब चैनल को मोदी खरीद लिए हैं, मीडिया टोटल बिकाई गया। कैसे हाँ, आप लोगों को खबर पता चलता है जब मीडिया नहीं? अरे जब वही सपा के कैंडिडेट बोलते हुए ओका तो जूता हटा लिए थे, और जब बीजेपी की बात करते हुए ओकरे लगे बहुत देर तक लगाए हैं। हाँ, मीडिया टोटल मीडिया है, गांव देख कर सर्वे कर रही है। हाँ, ये कहाँ, यहाँ गांव में बीजेपी के लोग इस गांव में ज्यादा हैं, तो वहाँ जाके सर्वे कर ले रहे हैं, ये मीडिया का ये हाल है। चलिए आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव प्लस हैं, और अगर ओबीसी, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ओबीसी कम्युनिटी का वोट उनको मिलता है तो ओबीसी लगभग 50% से ऊपर की आबादी है, और अगर पिछली बार बीजेपी को मिला था, 2017 में भी बीजेपी को मिला था, 2019 तक ओबीसी बीजेपी के साथ था, 2014 में भी ओबीसी प्रधानमंत्री ने ओबीसी क्लेम किया था और वोट लिया था, अगर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन और इसका मुद्दा अगर चलता है, अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठता है, जो दिख नहीं रहा है, लोगों में भाईचारा बढ़ रहा है चूँकि सब जो पेट का सवाल लोग बता रहे हैं, तो टीवी अखबार की तमाम कोशिशों के बाद भी अखिलेश यादव प्लस दिख रहे हैं। पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बस्ती, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।